नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आपको कॉल करना है, 02223001634, 02223001635। और सबसे पहले बात करते हैं, चूँकि अब 2020 की शुरुआत होनी है नए साल की, तो नए साल में कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल दिख सकती है। हम आपको रोज़ अलग अलग सेक्टर की बात बताते हैं, तो पहले राजीव जी आप ये बताएं कि एनर्जी सेक्टर में आपको 2020 में किस तरह का एक्शन दिख रहा है, और आप एनर्जी में क्रूड अच्छा दिख रहा है या नेचुरल गैस? मृत्युंजय जी, दोनों ही कमोडिटीज़ अच्छी लग रही हैं। क्रूड में हालांकि थोड़ा लिमिटेड तेजी रहेगी, बट नेचुरल गैस मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है लेने वाले साइड में। तो अगर थोड़ा करेक्शन आए, 155 और 150 के बीच में लेने को मिलता है अगर नेचुरल गैस, तो आई थिंक बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा इसमें 138 के स्टॉप लॉस से। और मैं समझता हूँ अपसाइड फिर 190-200 तक के टारगेट दिखते हैं। दो तीन कारण है, एक तो मल्टी ईयर लो के आसपास नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है और 150-155 का एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, तो वहाँ से बनस्पत एक रिकवरी बन के निकलती है। और दूसरा जो डाउनसाइड है इस समय, यूएस के विंटर सेशन के आसपास है, तो डिमांड निकलने के भी चांसेस हैं यहाँ पर, तो वो भी एक प्राइसेस को बूस्ट देगा। तो दो कारण हैं जिसमें हम इसमें बाई की कॉल देते हैं नेचुरल गैस में, अराउंड 150-155 के बीच में बाइंग करें, 138 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 190 और 200 का टारगेट इसमें आने वाले 3-4 महीने में देखने को मिल सकता है। 190 और 200 का टारगेट, और आप कह रहे हैं कि 155 के आसपास खरीदें, और अभी मार्केट है 165 के लेवल पे, तो आपका जो बाइंग का लेवल है राजीव जी, वो मिलेगा 155 का लेवल? मृत्युंजय जी, मिल सकता है बाजार में। अभी पीछे भी, अभी हमने कल परसों ही इसके रेट 159 के आसपास देखे हैं और वहां से एक रिकवरी आई है, तो चांसेस हैं एक बार भाव एंट्री दे सकता है यहाँ पर, ठीक है। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से 155 अच्छा रेट रहेगा लेने के लिए, एक सपोर्ट जोन भी है वहाँ पर, और आई थिंक एक अपने रेट की एंट्री करनी चाहिए लेने के लिए। ओके, वन शुड नॉट गो फॉर एक्सपेंसिव थिंग्स, ठीक है। ओके ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि नेचुरल गैस में अच्छी तेज़ी आगे दिखेगी। अब बात करते हैं एडेबल ऑयल सेक्टर की, उसमें आपकी पसंदीदा पिक अजय जी क्या होगी? गुड इवनिंग मित्र जी, डेफिनेटली देखा जाए 2019 में हमने पूरे एडिबल पैक में काफ़ी अच्छी तेजी देखी, जहां हमने सीपीयू के प्राइजेस में वापस एक मल्टी ईयर हाई बनते हुए देखा। रिफाइंड सोया भी 900 के करीब जा रहा है, मस्टर्ड में भी हमने देखा कि 3600 की जो कमोडिटी है वो करीबन 4400 का लेवल क्रॉस करके 45 भी टच कर चुकी है। वहीं दूसरी एक कमोडिटी है सोयाबीन, सोयाबीन में हमने पिछले साल देखा था अच्छे क्रॉप के चलते हमने 3150 का लेवल भी बनते हुए देखा। अब 3150 वाली कमोडिटी हमने करीबन 4400 का भी भाव तोड़ते हुए देखा। ओवरऑल हमें लगता है कि फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। 2019-20 में हमने देखा जिस ढंग से एमपी बेल्ट में बारिश जो हुई है वो काफ़ी एक्सटेंड तक क्रॉप डैमेज की है, और जो एस्टिमेट्स आए थे अर्ली वो करीबन पिछले साल के मुकाबले कम थे, जो करीबन 90 लाख के आसपास के थे। उम्मीद अभी भी जताई जा रही है फर्दर डिटोरेशन हो सकता है आउटपुट में, जो कहीं ना कहीं 85-84 तक के भी प्रोडक्शंस रहेंगे। तो ओवरऑल हमें लगता है कि फंडामेंटल और S&D को देखते हुए, सप्लाई और डिमांड को देखते हुए, हमें लगता है कि 2020 के लिए सबसे अच्छी कमोडिटी सोयाबीन रहेगी। ऑलरेडी हमने ये साल के अंदर अगर देखा जाए तो पिछले 3 महीने में 14% से ज़्यादा की तेज़ी हमने सोयाबीन के प्राइजेस में ऑलरेडी देख चुके हैं, बट हमें लगता है कि ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। डिमांड कंटिन्यू स्ट्रांग है स्टॉकिश साइड से, जो अप साइड में हमें लगता है 4850 तक का लेवल हम सोयाबीन के प्राइजेस में देख पाएंगे। ओके, तो आपकी राय है कि ये एक अच्छी कमोडिटी होगी 2020 के लिए सोयाबीन, जहां पर आपको लगता है कि बड़ी तेज़ी अभी और दिख सकती है, और 4850 के लक्ष्य के लिए आपको लगता है कि बाइंग करके चलना चाहिए। ये दो कमोडिटी 2020 की हिट कमोडिटी, लेकिन अब बात करते हैं कि आज के लिए आपको क्या करना है। और आज के लिए क्या करना है, उससे पहले एक खबर और है हल्दी, जहाँ पर तेज़ गिरावट का माहौल आज बना है, और वायदा में भाव 6100 रुपये तक फिसल चुका है। जनवरी वायदा में करीब 2.5% की गिरावट दिखी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों ही हल्दी की कीमतों में बड़ी तेज़ी आई थी, ज़ोरदार तेज़ी पिछले 2-3 दिनों तक दिखी थी यहाँ पर, उसके बाद अब तेज़ गिरावट। और जब इस तरह की हलचल मार्केट में होती है, तब कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा
डगमगाता है कि आखिर अचानक से फंडामेंटल में इतने बड़े बदलाव कैसे हो जाते हैं। चाहे तो फंडामेंटल तेज़ी के थे तभी दाम बढ़े थे, और अगर तेज़ी के नहीं हैं तो गिरे हैं तो फिर तेज़ी क्यों आई थी। ये सवाल खड़े होते हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रेमचंद मोटा, ट्रेडर हैं, हल्दी के जानकार हैं कोलकाता से। मोटा जी बहुत स्वागत है आपका। ये क्या हुआ है हल्दी में पिछले कुछ दिनों में, एक बार अचानक से दाम बढ़ गए लगातार 2-3 दिन तक, और फिर तेज गिरावट आ गई है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बड़े इसलिए थे क्योंकि एपी में रूमर था कि गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स करेगी, उसी चलते बाजार बढ़े थे। एक्चुअली 2019 का टोटल क्रॉप 92 लाख बोरी था, एक बोरी 70 किलो की, और एक जनवरी को 25 लाख बोरी कैरी ओवर था। अच्छा, तो 117 लाख बोरी का सप्लाई रहा 2019 में, और आज की तारीख में 38 लाख बोरा स्टॉक है, जो 1 जनवरी को सपोज 35 लाख बोरा भी रह जाए तो सिर्फ 82 लाख बोरी अपना इंडिया में और अब्रॉड एक्सपोर्ट में सब टोटल बिका। तो ये सिनेरियो देखते हुए जो 1 जनवरी को 35 लाख बोरा रह जाएगा और आने वाले फसल 95 लाख बोरा से कम नहीं आएगी, तो 130 लाख बोरी का सप्लाई रहेगा और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट डिमांड लोकल सब मिला के 90 लाख बोरी भी रहे तभी भी 1 जनवरी 2021 को 40 लाख बोरी कैरी ओवर रह जाएगा। इसलिए हल्दी में तेजी का ध्यान नहीं है, कोई रुपया की तकाश से तेजी लावे टेम्पररी कौन लाया था ला सकते हैं, कैसे लाया था तेजी, वही रुपया का तकाश से हम से कुछ भी अपना प्रोपोगंडा करके। ये कौन लोग थे मोटा जी, आप तो हल्दी मार्केट में बहुत पुराने हैं, आपको तो सब नाम मालूम है, कौन लोग हैं जो रुपए की ताकत पर हल्दी कीमतों को बढ़ाया था? जिनके हाथ में लंबा माल रह गया वो लोग अपना माल निकाल के लिए कुछ न कुछ प्रोपोगंडा करेंगे, वो करते हैं मगर वो लास्टिंग नहीं करता है। कौन लोग करते हैं, मैं वही नाम पूछ रहा हूँ आपसे, कौन है वो? नहीं, नाम तो मैं नहीं बतला सकता हूँ, बाकी जिसके हाथ में ज्यादा मोटा माल है वो लोग करते हैं नाम, लेकिन आपको मालूम है, आप बताना नहीं चाह रहे हैं, नाम मालूम तो है ना आपको? नाम तो सभी का, सब हल्दी के प्राइस सभी को मालूम है। नहीं, हल्दी के प्राइस नहीं, हल्दी में जो गड़बड़ करते हैं उनके नाम, हल्दी के बड़े व्यापार करने वाले सभी को नाम मालूम है। आप तो बताइए ना सर, अगर नाम मालूम है ऐसे लोगों के नाम सामने आने चाहिए, आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर कैसे कैसे कार्रवाई होगी, क्या एक्शन कैसे होगा एक्शन? वो बात ठीक है भैया, मगर इसलिए हल्दी से दूर रहने में फायदा है। अरे मतलब जो लोग चोरी कर रहे हैं वो दूर ना रहे, जो जेन्युइन ट्रेडर हैं उनको आप दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन आप नाम नहीं बता रहे मोटा जी। दूर रहने की हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई जितना गद्दार हो उतना लो, ज्यादा स्टॉक मत करो। ये तो फिर चोरी को बढ़ावा देने वाली बात है ना, लेकिन जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए मगर क्या है वो आप सब जानते हैं भैया। नहीं, मैं आपसे आप चूंकि इंडस्ट्री के पुराने हैं, आपका ये धर्म बनता है, आप हल्दी में ट्रेड करते हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को आप एक्सपोज करें। सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, इसलिए इसमें नेचुरली तेजी का कोई चांस नहीं है, तो गलत रूमर से दूर रहिए। लेकिन नाम नहीं बताएंगे आप, यही बात मोटा जी, अलग से बताएंगे 6 बजे के बाद अगर मैं फोन करूंगा? नहीं नहीं नहीं, पक्का नहीं बताएंगे? नहीं पक्का नहीं बताएंगे, नहीं बता सकते सर। हाँ जी, चलिए ठीक है। हल्दी का प्राइस आप क्या देख रहे हैं? हल्दी का प्राइस अभी का भाव में तेजी नहीं है, बस 5 रुपए किलो और बाजार घट सकता है। 5 रुपए किलो यानी आप कह रहे हैं 500 रुपए क्विंटल दाम और घट कम हो सकते हैं? और क्या कम हो सकता है? ठीक है, 500 रुपए दाम आप कह रहे हैं कि यहाँ से हल्दी के और कम हो सकते हैं, यानी 5500 रुपए तक का भाव हल्दी का आपको दिख सकता है। तेज गिरावट अभी हल्दी में बाकी है। प्रेमचंद मोटा कह रहे हैं कि हल्दी में की जो फंडामेंटल है वो कमजोर है, तेजी यहाँ पर दिखने की संभावना नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या। अजय जी, गोल्ड का मार्केट आज शाम के लिए कैसा लग रहा है आपको? मुझे अगर गोल्ड की बात करें तो कल के सेशन में हमने देखा काफ़ी सुस्त कारोबार था। इससे पहले भी हमने कहा था कि मार्केट एक दायरे में रहेगा जो 37,800 से लेकर 38,100 के बीच में रहेगा, बट कल इवनिंग सेशन में हमने देखा यूएस से जो इम्प्रिचमेंट की अपडेट आई थी, जिसके बाद हमने एकाएक सोने में एक जंप आते हुए देखा, और साथ में रुपये में जो गिरावट बढ़ी है पिछले 2 सेशन में, जिसके चलते आज सुबह हमने देखा था कि 38,100 के ऊपर भी प्राइजेस चले गए थे। टाइमिंग मुझे लगता है दायरा कंटिन्यू मेंटेन है। आज के सेशन में मुझे लगता है कि अगर ये 38,000 से थोड़ा भी अगर नीचे आता है 37,900-9,500 तो लेके चलना चाहिए, अपसाइड लिमिटेड है, बट 38,100 से 200 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। ठीक है, राजीव जी चांदी पर आपका व्यू?
मृत्युंजय जी 45,000 के आसपास एक रेसिस्टेंस है और थोड़ा बाजार ऊपर की तरफ कल बढ़ने की कोशिश किया 44,600 के ऊपर, बट सर वो रैली में एक फॉलोअप एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है 44,750-780 एक अच्छे लेवल होंगे शॉर्ट करने के लिए, 44,950 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और नीचे में मैं समझता हूँ 44,550-600 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 44,650 ठीक है, 550। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है रमेश का, पूछिए रमेश। हाँ जी, ग्वार सीड पे किस लेवल पे बाइंग करना है और क्या स्टॉप लॉस होगा? ग्वार सीड पर किस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बताइए जय जी। देखिए ग्वार सीड में इनिशियली हमने पिछले हफ्ते तक काफ़ी अच्छी गिरावट आती हुई देखी, फिर प्राइजेस में अभी दो सेशन में हमने अच्छा खासा जंप भी देखा है, बट मुझे लगता है प्राइजेस का जो दायरा बन गया है वो 4,000 से लेकर 4,200 के बीच में है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि प्राइजेस अगर 4,100 या 4,050 के करीब आते हैं वहाँ पर बाय कीजिए। अपसाइड लिमिटेड एक बार दिखाई दे रहा है जो 4,200 है, बेटर रहेगा 4,200 के करीब आता है तो बेचिए और 100-125 की गिरावट पर लेके चलिए। दायरा कंसोलिडेट होते जाएगा, इसी दायरे में मार्केट इस वक्त प्ले करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, रवि हैं हमारे साथ ओडिशा से, पूछिए रवि। हमारे सर अजी से क्वेश्चन है, तो कॉपर अभी आज के इंटरडे के लिए कॉपर क्या करूं और नेचुरल गैस जनवरी में कितना तक जा सकता है, हाईएस्ट कितना तक जा सकता है बताइए। देखिए सबसे पहले अगर कॉपर की बात करें तो लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि कॉपर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इंटरनेशनल में दे चुका है जो 6,100 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है, बट डोमेस्टिक मार्केट में हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 46-47 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ना ही 40 के नीचे जा पा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है 40 से लेकर 46 के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। आज के सेशन के लिए मुझे लगता है कि अगर 44-45 के करीब भी मिलता है तो बेचिए, 42 तक के टारगेट के लिए कवर कीजिए, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म अभी भी कॉपर में तेजी रहने की उम्मीद है। ओके, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप कह रहे हैं कॉपर में अभी भी तेज़ी की उम्मीद है और इस पर आप नज़र रखिए। कॉपर के अलावा राजीव जी और कोई पीक आपकी मेटल में आज शाम के लिए? मृत्युंजय जी कॉपर की तरह ही जिंक भी अराउंड 184 पर एक अच्छा रेसिस्टेंस पकड़े हुए है और काफ़ी 8-10 दिन से मैं देख रहा हूँ 184 के आसपास इसमें बिकवाली आती है और 182 पे अरेस्ट होती है वो बिकवाली, तो 183-50 के आसपास अगर जिंक अभी यहाँ से 20-30 पैसे बढ़ता है तो आई थिंक अच्छा ट्रेड बनता है इसमें शॉर्ट साइड जाने का और 84-50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 182 के टारगेट के लिए। ठीक है, अश्विनी है सहारनपुर से, पूछिए अश्विनी। सर मुझे राजीव जी से नेचुरल गैस के बारे में और क्रूड ऑयल के बारे में पूछना, करंट लेवल क्या करना चाहिए बताइए एक बार फिर से। देखिए नेचुरल गैस में हमने देखा वार्म वेदर के चलते प्राइजेस में गिरावट कंटिन्यू दिखाई दी थी, बट अभी मुझे लगता है 160 से लेकर 168 तक का जो दायरा है वो कंटिन्यू नेचुरल गैस में रहेगा। आज के सेशन की अगर बात करें तो नेचुरल गैस में हमें लगता है कि प्राइजेस में एक दायरा मेंटेन है जिसकी वजह से एक बाइंग की जा सकती है 160-150-162 के करीब, जो अपसाइड में करीबन 165-165 तक का लेवल दिखा देगा। राजीव जी आप बताएं आपका क्या व्यू है नेचुरल गैस और क्रूड पर? मृत्युंजय जी आज के लिए नेचुरल गैस में हमारा व्यू भी 168 तक के टारगेट का ही है, 163 के आसपास आए तो बाइंग कर सकते हैं और 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 168 हमें भी लगता है कि एक अपसाइड टारगेट इसमें अचीवेबल है। और दूसरा कमोडिटी कौन सा? क्रूड ऑयल आपने? हाँ क्रूड। मृत्युंजय जी क्रूड ऑयल में मुझे बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं लगती है, बट ऐसा लगता है कि बाजार काफ़ी बढ़ने के बाद थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेस में जाता है, तो अपर साइड के आसपास जैसा कि कल भी अराउंड 43-60-70 से फिसलन आई तो मुझे लगता है कि 43-70-80 के आसपास में बिकवाली करनी चाहिए, 4400 से ऊपर का एक मेंटेन करें स्टॉप लॉस और नीचे में मुझे लगता है टारगेट जो रहेगा 4300 का रहेगा। चलिए अगला सवाल है राज शर्मा का, चंडीगढ़ से हैं हमारे साथ, पूछिए शर्मा जी। गुड इवनिंग सर, केडिया जी से मेरा एक सवाल था। गुड इवनिंग केडिया जी। केडिया जी अभी जो डेटा आएगा GDP 7 PM 7 बजे, उसका गोल्ड सिल्वर पे नेगेटिव इम्पैक्ट के चांसेस तो नहीं है बताइए? देखिए काफ़ी टाइम से हमने देखा यूएस के जो जीडीपी के आंकड़े वो कंटिन्यूस स्टेगनेंट ही है, सबसे इम्पॉर्टेंट है पिछले हफ्तों में हमने जो डेटा पॉइंट आते हुए देखा वो डॉलर के लिए काफ़ी स्ट्रांग था और इस वक्त भी हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स 97 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन है, ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। एक तरफ हम देख रहे हैं यूएस से इम्प्रेजमेंट में जो अपडेट्स हो रही है कंसर्न्स बन रहे हैं, उसके बावजूद हमने डॉलर में स्ट्रेंथ आते हुए देखी और साथ में गोल्ड को भी सपोर्ट मिल रहा है। ओवरऑल हमें लगता है जब तक 1470 का लेवल इंटरनेशनल में गोल्ड नहीं तोड़ता है ट्रेंड रेंज बाउंड रहेगा जो 1470 से $1,490 का
रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे आने वाले दिनों में रुपए में गिरावट बढ़ सकती है जो 71.50 तक जा सकता है, जिसके चलते गोल्ड में हमें लगता है 38,100 से लेकर 38,350 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, उत्कर्ष हैं प्रयागराज से, पूछिए उत्कर्ष। हाँ सर, आज हमें सर जिंक इंटरडे में 182.85 पे सेल किया हुआ है। 182.85 पे आपने जिंक सेल किया है जी, एसएल कहाँ रखे हैं सर? बताइए राजीव जी। 184.50 का एसएल रखना चाहिए मृत्युंजय जी इसमें, और नीचे में टारगेट 182 का रखना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये रहा आपके लिए जिंक पर। लेकिन अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी सवाल और जवाब जारी है। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप पूछिए, नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आपको कॉल करना है, 0222300-1634, 0222300-1635। अगला सवाल है सदामा का गुजरात से, पूछिए। सर जी, मैं अजय जी और राजीव जी से पूछना चाहता हूँ, कैस्टर और ग्वार में अगले महीने के लिए क्या लग रहा है जनवरी के लिए? कैस्टर और ग्वार में अगले महीने के लिए क्या लग रहा है, बताइए राजीव जी, पहले आप बताइए। मृत्युंजय जी, ग्वार में जैसा अजय जी ने बताया, हमारा भी व्यू मोर और लेस सेम ही है। हमें भी लगता है 4200 एक अपर कैप है ग्वार सीट के लिए, 4200 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए। मैं समझता हूँ बाजार 4000 और 4100 के स्तर में तो इमीडिएट आने चाहिए, और रेंज में रहना चाहिए ग्वार का बाजार। और कैस्टर में मुझे लगता है थोड़ा सा सपोर्ट पनप के आ रहा है, थोड़ी रैली निकल के आई है, बट अभी भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैस्टर पे नहीं है। हो सकता है यहाँ से बाजार 40-50 रुपए बढ़ जाए, बट हम इसमें और ज़्यादा इससे ज़्यादा आउटलुक नहीं दे सकते। ओके, डायमंड और स्टील यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या अजय जी, साल के आखिर में कोई हलचल? बिल्कुल मित्र, जिस ढंग से हमने देखा इंटरनेशनल में डॉलर में और रुपए में भी मोमेंटम है, नो डाउट डिमांड कंसर्न पे अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक मार्केट में हमने दिवाली के बाद देखा सुस्त कारोबार है, जिसके चलते फिजिकल डिमांड इंप्रूव नहीं है। बट यूएस में जिस ढंग से थोड़े बहुत आंकड़े कल के आंकड़े छोड़े तो ओवरऑल आंकड़े थोड़े बहुत इंप्रूव हो रहे, जहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि थैंक्स गिविंग डे के बाद इंप्रूवमेंट है। साथ में डीबीएस से भी अपडेट आई थी कि जो सप्लाईज है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, जिसके चलते प्राइजेस में सपोर्ट मिला है। टेक्निकली भी देखें तो 3550 के ऊपर काउंटर थोड़ा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 3580 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर स्टील की बात करें तो स्टील के प्राइजेस में हमने एकाएक काफ़ी अच्छी गिरावट के बाद रिकवरी देखी है, जो करीबन 29,500 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल हमें लगता है जिस ढंग से यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील की बातें सेकेंड फेज तक पहुँच रही है, ये कहना कि सेंटिमेंट इंप्रूव कर रहा है। और डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा ये साल में काफ़ी नेगेटिवली प्राइजेस ने ट्रेड किया है, अब थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो मुझे लगता है 29,750 तक का लेवल अगले हफ्ते हम देख पाएंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संजीव का, पूछिए संजीव। हाँ, मैं किसान हूँ, मेरे पास चना है, क्या करूँ, रखूँ क्या बेचूँ? आपके पास चना है, आप किसान हैं, आप जानना चाहते हैं कि रखें या बेचें, क्या करें राजीव जी? मृत्युंजय जी, चना जो है 4450-4500 एक अपसाइड ही लगता है हमें, तो मेरी राय में थोड़ा इनको अपना चना जरूर बेचना चाहिए 4500 के आसपास। ठीक है, पूनम है हमारे साथ, पूछिए पूनम। सर राजीव जी से गोल्ड पे सवाल की, अभी जो 6 घंटे ट्रेड है गोल्ड कहाँ से खरीदूं मैं भाई? बताइए राजीव जी, 6 घंटे के ट्रेड के लिए गोल्ड में क्या किया जाए? देखिए, अगर खरीदने का ट्रेड इनिशिएट करना है तो 37,900-950 के बीच में खरीदना चाहिए, क्योंकि 38,100-150 के आसपास एक मेजर रेसिस्टेंस है। दूसरा ट्रेड इसमें तब बाय का बनेगा जब बाजार 38,150 के ऊपर सस्टेन करेगा, उस स्थिति में फिर बाजार आपको यहाँ से 100 रुपये और अपसाइड दे सकता है, मीन्स 38,250-300 तक का। बट अगर नीचे में लेना है तो 37,900-950 अच्छा स्तर है। ठीक है, ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर, कॉपर में बिकवाली की एडवाइज होगी 444-445 के बीच में, और 446-50 का स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट है इसमें 440 का। ओके, आपकी पहली कॉल अजय जी। मुझे लगता है कि चांदी एक बड़े दायरे में है, 44,000-45,000 के बीच में ट्रेड कर रही है। आज मुझे लगता है 44,500-550 के करीब चांदी मिले लेके चलिए, 44,800-850 तक का जंप देखने मिल जाए। और आपकी आखिरी कॉल।
मुझे लगता है निकल जिस ढंग से 1000 के ऊपर काफ़ी अच्छे से स्ट्रांगली मूव कर रहा है, कल के सेशन में भी हमने देखा काफ़ी अच्छा मूव किया था, तो आज मुझे लगता है कि निकल में बाय करके चलिए। अप साइड में 1045 का इमीडिएट टारगेट, बट ओवरऑल मुझे लगता है 1080 तक का भी लेवल देखने मिल जाएगा। ओके, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, राजीव जी आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन